नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीएनपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। नजर डाल लेते हैं बिहार की खबरों पर। नीतीश सरकार राज्य के संसाधनों से जाति आधारित गणना कराएगी। जाति आधारित गणना के साथ आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण भी किया जाएगा। सरकार का अनुमान है कि इस गणना करने में करीब 9 महीने का समय लगेगा। बता दें कि सीएम की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के संसाधनों से जाति आधारित गणना करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। बैठक में कुल 12 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आरजेडी की कोई विचारधारा नहीं है, जो अपनी पार्टी में नेतृत्व करते हुए जनगणना नहीं करा पाए हैं। वह जाति जनगणना के प्रति क्या कहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि एक ही परिवार के पिता, माँ और उनके बेटे और बेटी विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा में बैठे रहे हैं। अब जेल जाने पर उनकी पत्नी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का सपना दिखा रही है। बढ़ते ली खबर की ओर। बिहार के जमुई में बालगृह में मानसिक रूप से बीमार बच्चे ने जमकर तोड़फोड़ की है। इस दौरान मानसिक रूप से बीमार बच्चे ने बालगृह में रखे 3 कंप्यूटर, लैपटॉप, कुर्सी, टेबल, जिम का सामान सहित अलमीरा और अन्य सामानों को तोड़ डाला, जिसमें लगभग 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इस दौरान बच्चे ने बालगृह के सुपरिटेंडेंट पर भी हमला किया। मामले की जानकारी देते हुए सहायक निदेशक ने बताया कि बच्चे ने हमले के दौरान बालगृह के अन्य बच्चों पर हमला करने के साथ साथ खुद को भी घायल कर लिया। बच्चे की काउंसलिंग की जा रही है और बच्चे के परिवार वालों का पता लगाया जा रहा है। के आसपास बालगृह में आवासित बालक मनोज सोरेन, जिसकी उम्र लगभग 17 वर्ष है, उसने अचानक तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिया। हमारे नीचे वाले फ्लोर में जितने भी डिवाइस थे, जितने भी उपकरण थे, गोदरेज थे, कुर्सियाँ थी, सबको तोड़ डाला और यहाँ तक कि शीशा वगैरह भी तोड़ दिया। उसके बाद नीचे ही के कमरे में सुपरिटेंडेंट रहते थे, सुपरिटेंडेंट के दरवाज़ा को तोड़ने की कोई प्रयास किया, दरवाज़ा लगभग टूट चुका था। सुपरिटेंडेंट बहुत मुश्किल से अपने आप को बचा पाया। इस तोड़फोड़ को रोकने के लिए और इस बच्चे को कंट्रोल करने के लिए स्थानीय थाने से संपर्क किया गया। वहाँ से पेट्रोलिंग की टीम आई थी, उसके बाद हम लोग भी पहुँचे। हमला करने ही जा रहा था सुपरिटेंडेंट पर, अगर थोड़ी सी भी हमारे स्तर से चूक हो जाती तो शायद कल कोई बड़ी घटना हो जाती, सुपरिटेंडेंट के जान को खतरा हो सकता था। डीजीपी एके सिंघल ने बढ़ते अपराध को लेकर 3 जिलों के एसपी के साथ छपरा के सर्किट हाउस में बैठक की। इसमें एसएचओ से लेकर एसपी तक सभी की समस्याओं को सुना गया और अच्छी पुलिसिंग के लिए कैसे जनता के सामने उनकी समस्याओं को हल करें, इस पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए आगे की रणनीति बनाई गई। दरभंगा जेल में बंद एक कैदी की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। कैदी को गंभीर हालत में मंडल कारा से लाकर इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि युवक को शराब के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। परिजनों ने जेल में उसे 5,000 रुपए रिश्वत मांगने और नहीं देने पर पीट पीट कर उसकी हत्या का आरोप लगाया है। बिहार बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखते रहिए टीएनपी न्यूज। नमस्कार।